बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बसमीम वंत शाह कल शाह बैतकर का शाइन कदीर अल्लाह ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुबहान जिसे चाहे देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं आशकान पाकिस्तान और टेलीविजन की दुनिया के दोस्तों ये वॉ टी वी यूस्टन टेक्सस से खादम पाकिस्तान और ग़ुला गुलामा रसूल जान शाह का आपसे मुखातिब है अपने प्रोग्राम हलात हाजरा में और आपको सलाम बर्स करता है नाजरीन हम रोज़ाना मुख्त तरह का प्रोग्राम पेश करते हैं मुख्तलिफ्तु होती है आपसे कभी सियासत पर कभी तालीम पर कभी मजहब पर आज शरा हम थोड़ी सी हट के सिचुएशन करना चाहते हैं वर्ल्ड बॉडी कि नहीं हम यू एन ओ पर डिस्कस करना चाहते हैं और इसको हम लिंक करेंगे दुनिया के साथ कि यू एन ओ कितना बड़ा फ्रॉड है कीप दैट इन माइंड कि मैं जो कहूँगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मैंने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ये जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है जो दूसरी दुनिया के लोग बताते हैं या हुकूमतें जो कहती हैं उसको इकट्ठा करके एक छोटा सा आधे पौने घंटे के प्रोग्राम में आपके सामने पेश करने लगा हूँ आप सब जानते हैं अगर आप नौजवान हैं तो आपके वालदे आपको बताया होगा कि दुनिया में दूसरी जंग अजीम हुई थी जो अमरीका के एटम बम बारने के बाद उसमें फतेह हुआ अमेरिका और उसके बाद एक फैसला किया गया कि एक वर्ल्ड बॉडी बनाई जाए जिसमें तमाम दुनिया के मुल्क हों और वो फैसला बैठ के करें जिसमें एजुकेशन भी हो पीस भी हो जंग ना हो ये ना हो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया था चंद सुपर पावर्स में in Russia America England France tha in conspiracy create fraud organization fraud it is my personal opinion and anything i will say here today or this is according to my freedom of speech and freedom of press and according to accordance with my uh, uh, constitutional rights having said that एक यूएनओ इतना बड़ा फ्रॉड बना दिया गया और उसमें जब भी कोई मुल्क चाहता है जो कि अब्यूज़ एंड यूज़ करना चाहता है यूएनओ को वो आके अपनी रेजोल्यूशन पास करवा लेता है हम ताकि उनमें बड़ी है ईरान के खिलाफ जाना है तो रेजोल्यूशन पेश की पेश की पास करवा ली इराक के खिलाफ जाना है अफगानिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोलंबिया के ख़िलाफ़ पैनमा के खिलाफ तो यू एन एम में जाके एक रेजोल्यूशन पास कराई दुनिया को अपने साथ मिलाया एक छोटी सी कुछ मतहदा खम को, को साथ मिला लिया एक लूशन बनाई और जनाब चढ़ गए दुनिया के ऊपर और फौज में बांट ली और कर दी जिसके ऊपर मर्जी चढ़ाई कर दी जब चाह जिस पर कं, कंट्री को दहशतगर्द करार दे दिया जो चाह जिसको दहशत गर्द करार दे दिया जो भी कर दिया ये एक बॉडी वहाँ से चल रही इसी बॉडी के अंदर जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन लेके गए थे कि जिस पर यह कहा था कि कश्मीरियों को उनके हक खुद रादियत दिया जाए ना जिन हैरत की बात है कि आज तक हक खुद रादियत बहुत से मुल्कों को दिया गया है ये जिसकी सुपर पावर चाहती थी जैसे आप जानते हैं इंडोनेशिया में क्या हुआ आप जानते हैं सूडान में क्या हुआ हाल ही में आपने देखा कि के, के स्कॉटलैंड को हक खुद रदियत दिया गया वहाँ पर इलेक्शन हुए और तो और हमारे बराबर में कैनेडा है जो कि बेहतरीन दोस्त है अमेरिका है कैनेडा देर वॉज एन अलेक्शन आलसो टूब क्यूबिक वॉन्ट बी फ्री फ्रॉम कैनेडा इन सब कंट्रीज़ को दे दिए गए लेकिन कश्मीर को नहीं दिया गया क्यों इसलिए कि अगर कश्मीर को हक खुद इरादियत दे दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मेजोरिटी जो तनाजात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं फिर पानी का छोटा सा मसला रह जाता है वह भी पाकिस्तान के हक़ हाँ में आ जाता है और ये बड़ी मुश्किल हो जाती है दुनिया के लिए क्योंकि दोनों कंट्री आपस में नहीं लड़ेंगे और ये गोल्डन स्पैरो एक ज़माने में इसे कहा जाता था ये तरक्की करेंगे अब अबामा साहब हाल ही में आपने देखा कि इंडिया गए थे उन्होंने पीछे से धोती बांधने वालों को इन इनकी चिकनी चिकनी बातें सुन के ये जो बनिया है हमारे इनकी चिकनी चिकनी बातों में हम आ जाते हैं वो मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें सुनकर बहुत से कॉन्ट्रैक्ट दे दिए ना सर ये वही भारत है जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था रशिया के साथ था ये वही भारत है कि जब इन्होंने एटम बम बनाया था तो इनका अवाम आम तौर पर कहा करते थे एक दिन हम ये एटम बम अमेरिका पर फेंकेंगे ये वही भारत है जो आज इकलौता बच्चा बनके इनकी गोद में आगे बैठ गया है काका हाउ यू आज अमेरिका ये कहता है कि मैं इनका ग्लोबल पार्टनर हूं पाकिस्तान मेरा रीजनल पार्टनर है पाकिस्तान कभी भी इनका पार्टनर नहीं था ये सिर्फ पाकिस्तान को ऐसे यूज करते थे जैसे एक पेशावर औरत कांडम को यूज करने के बाद उठवा के फेंक देती है इसी तरह पाकिस्तान को हमेशा से यूज किया गया अफसोस है कि हमारे नााहल हुक्मरान आज तक ये नहीं समझ सके कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ क्योंकि वो इसमें बराबर के शरीक है उनको एक पाया मिलता है एक छोटी सी सीट मिल जाती है उस सीट को लेकर जैसे कि सऊदी अरब की हुकूमत को ले लें उनकी मेचोरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका के अंदर है अगर वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा उनके तख्तो ताज उनसे छीन लिए जाएंगे लिहाज लिहाजा वो ऐसा नहीं कर सकते हाल ही में ओबामा साहब ने आपको पता है कि जब वो भारत गए तो उन्होंने भारत को एक चीज़ कहा कि मैं आप मैं यानी इंडिया को परमानेंट सीट यानी यू के अंदर दिलाने के लिए हम उसकी हामी बढ़ते हैं हम इसकी फेवर में हैं पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई बड़ा कुछ हुआ बड़ा तजिया निगारों ने बड़ी बड़ी बातें की ओह दुनिया में बहुत से मुल्क इतना आसानी किस दुनिया की बात कर रहे हो आप if america want to get anything done they can get it done this is a super power you dealing with कौन क्या अरब अमेरिका के खिलाफ वोट देंगे क्या अमेरिका को ना करेंगे वो तो कहते हैं अल्लाह वाहद अमेरिका वाहद अल्लाह वकीली रहने पर तकलमा मेरे अमेरिका बस खलास वो तो ये कहे खामोश होते कि अल्लाह भी एक है और अमेरिका भी एक है वो तो हर चीज अमेरिका के हाथ में देखते हैं इसलिए कि उनकी उनका वो सारी यशियाँ नीले आँखों वाली औरतें बड़ी बड़ी छातियों वाली औरतें यही उनको चाहिए माफी चाहता हूँ जो अल्फाज में यूज कर रहा हूँ ये बड़े नाजेब अल्फाज हैं लेकिन मैं क्या करूँ इस हकूमत को इन लोगों को समझ नहीं आती that, अब जरा सोचें कि अगर इंडिया को यह सीट मिल जाती है तो फिर मसला कश्मीर कहाँ चला जाता है पाकिस्तान की तो सारी टांगें तोड़ दी जाती हैं अब बरतानिया ने शुरू में ही पाकिस्तान के साथ एक ऐसी बदमाशी की थी जब पाकिस्तान बनाया गया था उसके अंदर जो बदमाशी पाकिस्तान के साथ की थी जो डिवीज़न आनी थी वो पाकिस्तान को नहीं मिला और कश्मीर एक ऐसा मसाला लाके खड़ा कर दिया गया कि हमेशा हमारी उनके साथ प्रॉब्लम ही रहे पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर वाक्य है कि जो हम सर्वाइव कर रहे हैं बहरा हिंद में हम हैं एक तरफ हिंदुस्तान है एक तरफ चीन है ऊपर इधर रशिया है और हमारी तजारत अगर देखे तो हमें ईरान के साथ मिडल ईस्ट के साथ करनी चाहिए बरतानिया ने हमसे झूठ बोला क्युं? क्यों क्योंकि वह जानते थे कि यह गोल्डन स्पैरो है दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंडम इंडस्ट्रियल जॉइंट ऑफ़ ऑफ़ वर्ल्ड वर्ल्ड। नॉट एशिया इंडिया ने काफी तरक्की की उनकी खुशकिस्मती यह है कि उनको अच्छे हुक्मरान मिले हमारी बदकिस्मती ये है कि हम फौजी हुक्मरानों के हाथों में इसलिए खेरते रहे कि नकम्मे सियासतदान हमें मिले लियाकत अली खान साहब ने जो किया जब हमने कश्मीर को फतेह करने का टाइम आया जब श्रीनगर से चंद मील रह गए थे तो लियाकत अली खान साहब ने रोक दी उस उस लड़ाई को रोक दिया और नेहरू ने अपनी फौजें उतार दी एक सफ़ेद कागज़ पर लिख के डोगरा राज वालों ने वो जो था चिकनी चिकनी बातें करने वाला लाला बनिया उसने दे दिया और इंडिया आज तक कहता है पता नहीं उसने दिया या नहीं दिया इंडिया कहता है कि हम हम हमारा टोटंग है अगर हम मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं या जिसे आप कहने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार, अगर हम एक डैम भी बनाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान खप डाल देता है पूरी दुनिया को कहता है, नहीं ये नहीं कर सकते ये सकता इलाका में कुछ नहीं कर सकते लेकिन खुद अपने ही पार्लियामेंट में करारदादे पास करके उसने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया अगर भारत में आप लिबरल से लिबरल मीडिया पर्सनल को लें तो आपको यही कहेगा कश्मीर पर आपका कोई हक नहीं कश्मीर भारत का है भारत की भारत का हिस्सा है वो तो कह सकते हैं इसलिए कि हम कमजोर हैं फकीर हैं हम बेकारी हैं हम लोग हमारे हुक्मरान हैं जो एक मशवरा देते हैं फिर दूसरी राय देते हैं फिर तीसरी राय हम राय देते आए और हमारी तमाम राय को वो रद्द कर देते हैं वो कहते हैं किसी चीज पर बात कश्मीर पे तो बात ही ना करो ना हमारे साथ फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने एक नई गेम खेली तालिबान उनके हाथ में बलोचिस्तान उनके हाथ में महाजर कौम उनके हाथ में इन सब पर रॉ ने खींच के दबा के हक दबी से पैसा लगाया और हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने ऐसी दहशत गर्दी फैला दी इसकी इंतहा नहीं थी नाज अब आप सोचें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर एक तरफ हमारे वो अल्ताफ हुसैन साहब बड़ी मजे की बात है वो कहते हैं कि मैं महाजनों के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा अरे अल्ताफ भाई कौन सी गर्दन कटवाओगे तुम्हारे पास तो गर्दन है ही नहीं कटवाओगे क्या अच्छी मंतिक है कि एक तरफ दहशत गर्दों को कह रहे हैं कि पना ना दो और फिर बर्तानिया ने एक दहशत गर्द को दुनिया के सबसे बड़े दहशत गर्द को ना सिर्फ इंग्लैंड में पना दी है अल्ताफ हुसैन को बल्कि उसको ने दे दी दिस इज बट डिवाइड एंड रूल वहां से बैठकर वो तीर फेंकता है दुनिया भर के अभी उसने हाल ही में क्या किया उसने पीटीआई को रंडी खाना कहा वहां चक लिया और क्या क्या और श्री मजारी एक तलीम उसके बारे में क्या बात है की? उसको एक सप्लायर बना दिया बड़े लोगों का कि वो लड़कियां सप्लाई करती है और उसके बाद क्या उसने बैठ कर दूसरे दिन माफ़ी मांग ली मैं श्री मजारी से वो मेरी बहन है माफी मांगता हूं अक्सर लोग ये कहते हैं कि अलताफ़ हुसैन शराब के नशे में होता है वो जैसे बहुत से गुलक शराब पिए बगैर गा नहीं सकते ऐसे सुना है कि अल्ताफ़ हुसैन शराब पिए बगैर तकरीर कर नहीं सकता अरे भाई पीनी है तो फिर कम पियो पी के तकरीर क्यों करते हो फिर वो पी के फिल्म आई है वही मुझे याद आती है पीके ये नहीं हैरत की बात है हमारे अलताफ़ हुसैन साहब पर अब आपको याद होगा कि इसी अलताफ हुसैन ने ये कहा था कि हमें इतना पूछना किया जाए कि हम फिर सूबे का मुतालबा करें नाजरीन मैंने उस दिन एक प्रोग्राम किया था याद कीजिए मैंने कहा था ये पहले सूबा मांगेंगे फिर ये कहेंगे कि हमें सूबे के अंदर ना इंसाफी हो रही है भारत इनको दबा के इसराइल और भारत इनको दबा के पैसा देंगे जो एम क्यू एम को फंड हो, फंडिंग होती है इसराइल और भारत के साथ उसके अलावा बत्तों से जो बत्ते ये रिसीव करते हैं उसमें भी, भी आते हैं फिर ये क्या कहेंगे यूनाइटेड नेशन में जाएंगे कि हमें प्रॉब्लम है हमारे साथ है और इन्हें हके खुदरादिया दिया जाएगा ये अपना मुल्क बना लेंगे और अभी तो ग्रेटर इसराइल बनाया अमेरिका इंडिया को एक तो इसराइल है ग्रेटर इसराइल ग्रेटर इसराइल इज इंडिया फिर ये इतना मजबूत कर देंगे इस महाज जना टाउन या जो भी नाम इस्ताम हुसैन उसको देगा कि हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा आने वाले वक्त को देखिए लेकिन अफसोस है कि हमारे सियासतदान सो रहे हैं उनको तो ये कि उनके बैंकों में कितना पैसा जाता है को कैसे करना है, पानी कैसे बंद करवाना है, बिजली कैसे नहीं लाना? तो कुछ करना नहीं चाहते इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं और फिर ये आवाम को जब चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं बेवकूफ बना लेते नाजरीन जरा सोचें जो मैं कह रहा हूं हाल ही में आपको पता चला आजकल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दी गई है आई एस आई एफ आई ए जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन दी है जिन्हें बताया है कि जो फैक्ट्री में आग लगी थी भत्ता ना देने पर 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था एम क्यू एम के लीडरों ने एम ने और भत्ता ना देने पर केमिकल फेंक कर उसको आग लगाई गई थी जिसपे बच्चे औरतें मार दिए गए अब जरा अंदाजा लगाए सियासतदान इस पर भी पर्दा डालना चाहते हैं हाल ही में जो वो मुजरिम जो था वहां पर जो, जो के इंटरपोल के कब्जे में दुबई में उसको दुबई ले जाने से लाने की क्या जरूरत थी आपको फैसला होने के बाद इंटरपोल उसको पाकिस्तान के हवाले करेगी हकूमत का पैसा एसपी लेवल दूसरे लेवल पर ऑफिसर को भेजने की क्या जरूरत थी शायद इसलिए भेजा गया कि हकूमत का पैसा चल के दुबई की सैर करके आओ लूटा जा रहा है पाकिस्तान को अब तो एमके एम की एक और बात करते हैं फौरन ये कह देते हैं कि हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया जब उनको गिरफ्तार किया जाता है जब उनमें से किसी पर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने दहशत गर्दी की कह देते इसका हमारी पार्टी से कोई तल्लक नहीं फौरन ला लातलुक हो जाते हैं। और तो और नाजी जो लिस्टें मिली हैं जो पढ़ा है उसमें तो ये अपनी पार्टी के लोगों को मरवाना चाहते थे यही एम के एम का अंदाज है कि अपनी पार्टी के लोगों को मरवा देते हैं जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता या फिर ये मरवा कर ये कहते हैं हमारी पार्टी के वर्कर मार दिए गए उस पर ये वावेला करते हैं ये इनकी गुंडा गर्दी और बगैर गर्दन वाले वो जो अल्ताफ हुसैन जिसके बारे में मैं एक दफा आपको याद हुआ कहा था कि इसको उल्ताफ हुसैन ना कहें इसे कहेंताफ हुसैन उर्फ बगला भगत उसको नाम दिया था भगला भगत फ्रॉडी वो एक शराबी कबाबी आदमी है जो वहां बैठकर जरा सी बात होती है तो वो लोगों पर आकर मुकदमात करने शुरू कर देता मैं मुकदमा कर दूंगा एम के एम ये कर देगी एम के एम वो कर देगा अरे भाड़ में गई एम के एम क्या कर देगी इंग्लैंड में तुम्हारे आप कैनेडा में तुम्हारे ऊपर पाबंदी है माफी चाहता हूँ अमेरिका की इमिग्रेशन की वेबसाइट उठा के देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि एम क्यू एम अलताफुद्दन के एम के एम के लोग दर्शन गर्दे हैं मैंने तो नहीं कहा ये ये तो अमेरिका की हकूमत इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट उनकी वेबसाइट पर है या कनाडा में ये लॉस हैं इसको दुनिया दहशत गर्द कहने करने लगी है इमरान खान ने बहुत सी इंफॉर्मेशन स्कॉटलैंड जॉर्ज को दी उस पर वर्कआउट नहीं हुआ इसलिए कि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जो डिवाइड एंड रूल पे पे बिलीव करता है सारी प्रॉब्लम ही ब्रिटेन की डाली हुई है एक जमाने में हमारा मूलिया राज था किस तरह से अंग्रेजों ने आकर उस राज को गिराया और फिर मामी बन के वहां बैठ गए कायद यादम ने पाकिस्तान तो ले दिया टूटा फूटा छोटा सा पाकिस्तान ले तो दिया ना भाई अब इसी को हम संभालें टूटे फूटे पाकिस्तान को हैरत की बात है, है मकबूजा कश्मीर है जिनके पास उसका फैसला वहां पर जब होगा तो फिर होगा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते क्यों इतने बेगावकूफ किस्म के ना किस्म के हुक्मरान हमारी सियासत के अंदर हमारी हकूमत के अंदर एक और बात बड़ी सिंपल सी बराबर में अफगानिस्तान है अफगानिस्तान के ऊपर कितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इधर आपके पास ईरान है इस तरफ आपके पास वो है अरेबियन गल्फ है आप अफग़ानिस्तान से अपना बॉर्डर क्यों नहीं खोलते अफगानिस्तान में ट्रकों को जाने दीजिए आने दीजिए और ने कराची से लाके माल ले जाने दीजिए अफगानिस्तान और वहां से वाया अफगानिस्तान व ताजिकिस्तान और दूसरे ममालिक में भेजिए आप कराची से लेके वाया मकरान एक ट्रेन बिछाइए कंधार काबुल और इधर पेशावर से काबुल लिंक कीजिए ट्रेन के जरिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ खोलिए तजारत ईरान के साथ खोली तजारत फोर्टी बिलियन डॉलर की तजारत हमें सिर्फ ईरान से मिल सकती है हमारी हमें ट्रेड मिल सकता है अफगानिस्तान से खोलिए और उसके बाद ताजिकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्री में वाया ट्रेन और बाय दूसरी तरह सड़कें बना कर उसको कनेक्ट कीजिए ऑफकोर्स ना सिर्फ मैं जानता हूँ कि एक रात में ये सब कुछ नहीं हो सकता लेकिन कहीं से तो इसकी इब्तदा की जाए कहीं से तो इब्तदा की, तो की, तो की जाए कहीं से तो कुछ करना है ये तो बैठे आज मच्छी कड़ी खुआ रहे हो कल मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया उसने मच्छी बनाई थी उसने कहा मीठे पाने की मच्छी है बेचारे ने बड़ी मेहनत से मछली बनाई बड़ी मज़ेदार मछली थी बड़े शौक़ से मैंने खाया लेकिन उसके बाद मैं सोच रहा था मियाँ साहब होने लगा पता तुम मच्छी क्यों खादे हो मच्छी भी वो मछली खाने में मशहूल रहते हैं एक एक दिन है वो उनके हमारे एक हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ मिनी भाई थे तो वो पाकिस्तान गए तो उसने कहा मियाँ साहब मत आ देना फोटो कुछ आ नहीं है तो उन्होंने कैमरामैन को बुलाया अब कैमरामैन अवेलेबल नहीं था दो घंटे प्राइम मिनिस्टर इंतजार करते रहे कि के कैमरामैन आए मैं पहले फिर मीटिंग जाना पहले मैं ना फोटो खिंचवानी है अरे तू तो कैसा प्राइम मिनिस्टर है तूने तो इतनी नेशनल इंपॉर्टेंट मीटिंग एक फोटो के लिए छोड़ दी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर से आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं जरा सोचे मैं क्या कर रहा हूँ ना अब कहा जा रहा है जी मुशर्रफ को लाइए और उसको उसको ना, उसको एमकेएम के एम में लाए उसे एक सीट दें मशरफ बेवकूफ़ नहीं वो एक चला हुआ कारतूस है वो बूढ़ा हो चुका है बूढ़ा शेर है वो खत्म हो गया है मरी हुई चीज़ दोबारा जिंदा नहीं होती नाजरीन उसके पास कभी वो ताकत नहीं आएगी को अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो यंग जनरेशन आएगी दहशतगर्दी छोड़ें मुल्क के मफाद में बातें करें ये खड़े होकर रो तकरीरें करने और पहिया जाम हड़ताल कर दो वो कर दो जरा सोचो हम क्यों बालो जितनी दुश्मनी तुम पाकिस्तान के साथ कर रहे हो

उन्होंने हुआ को बात करते की है ये हैं। करो इनको। याद होगा मैंने एक रेडियो स्टेशन पर बैठ कर अल्ताफ हुसैन के बारे में एक प्रोग्राम दिया था उसके बाद मुझे कत्ल की धमकियां क्या क्या धमकियां और एक रेडियो वो जो टोपियां बदलने वाला लड़का है वो जो रोज टोपी बदलता है जिसके बारे में आज हमें सुन सुनना ये पड़ता है कि वो 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 किसी और मुल्क का ज्यादा दोस्त है बनिस्वत पाकिस्तान के और उसको लोग मुसलमान भी नहीं मानते मैं तो ये नहीं कहूँगा ये तो उसके और उसे अल्लाह के दरमियान है आई डोंट लाइक टू से दैट उस लड़के ने मुझे ऑफ द एयर कर दिया तो क्या बना आखिर वही लड़का माफिया मांग के मुझसे मुझे वापस ऑन एयर लेके आया मैं जान बूझ कर उस स्टेशन पर गया हालांकि रेडियो की अब कोई वैल्यू नहीं एक टक्की की भी रेडियो की वैल्यू नहीं रही हुई कि एवरीथिंग इज ऑन नेट नाजिन वक्त आ रहा है कि लोग टेलीविजन को देखेंगे हर चीज नेट पे आ रही है ये जितने भी मामे चाचे फुफे ताते बड़ी दुनिया और फलानी दुनिया का रेडियो और फलानी का ये सब देखते रह जाएंगे हाँ, आप हर चीज जो आप चीज देख सकते हैं हाँ ये बात मैं मानता हूं कि रेडियो आप गाड़ी में जा रहे हैं सुन रहे हैं वक्त आ गया है कि आप अपने फोन पे भी टीवी को देख सकते हैं आप अपनी गाड़ी में भी टीवी लगा के देख सकते हैं क्या नहीं कर सकते आप अब वक्त बदल रहा है और सात दो साल में इन रेडियो स्टेशन का निशान नहीं रहेगा ये सारे जो है ना चाचे मामे भाग जाएंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सडीज और लेके घूमते हैं और जो ये कहते कहती है हमारे हिंदू धर्म में इनका तो धर्म का भी नहीं पता है क्या इनका तो अपने बच्चे हिंदी बोलते हैं अगर आज जड्डे बुखारी अपनी कबर से उठ कर आ जाए तो नाजीन बाप बेटे की जबान को काट के वो तोजक में जला दे जितना नुकसान इन्होंने उर्दू जबान को पहुँचा आपको नहीं आती तो नहीं आती कि बेटर हो एफ ए हो आप जमात पास हो तो एम कहने की क्या जरूरत है कभी 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 इकोनॉमिक्स ये करने की क्या जरूरत है जो हो वो हो वो भाई क्या फर्क पड़ता है अगर तुम लालू खेत के रहने वाले हो तो अपने आप पी को पीसीएचएस का रेजिडेंट मत करो लालू खेत में करो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें भी इंसान ही बसते हैं तो नाजरीन मैं बहुत कुछ कह गया आज मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें एम के एम से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और हुकूमत को सोचना चाहिए कि जल्दी जल्दी इन केसेस को निपटा कर फौजी अदालत में भेजें जहाँ पर फैसला करके जो मुजरिम है उसको लटकाया जाए उनको सजा दी जाए और ये सियासी गिरफ्तारियां जो की जाती हैं ये सियासत के तौर पे जिन लोगों को छोड़ा जाता है जो इस कुरची को भी छोड़ा गया और फिर पकड़ा गया और आज कहा जाता है कि वो उसने भत्ते के लिए नहीं मिला था तो उस फैक्ट्री को चला दिया और ये एम के कहने पे हुआ था और एम अब ये कह रही है कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है हमेशा ही हमारा मीडिया ट्रायल होता है नहीं सर जी आपको उस हुकूमत ने माफ़ किया था एवरीबॉडी न्यू हमने भी कहा था कि अगर आप बेगुनाह हैं तो हम माफ़ी चाहते हैं लेकिन अब पता चल रहा है कि हम सच्चे थे उस दिन भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं आपकी पार्टी एक दहशत गर्दों की पार्टी है मांझ हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता ऐसा क्यों कोई लीडर नहीं आता जिसकी बात हम माने जिसके हजूर पाक सल्लाम के पीछे सभी बैक कहते थे ऐसी लानत पड़ी है हमारे ऊपर ऐसी ना इतफाक़ी पड़ी है ऐसी नहूसत पड़ी है हमारे ऊपर फितना आया हमारे अंदर उमर उमर अब्बुल खुताब को शहीद करने के बाद तमाम आप खुनफा राशि शहीद हुए इमामजादे शहीद हुए सोचें कितनी बड़ी सजा मिली क्यों नहीं हम मुसलमान हैं खुदा से गिरकर माफी मांगते और उसे कहें कि अल्लाह हमें माफ कर दे हम गलती पर हैं खुदा जिसे चाहे माफ कर दे वो कादर मुतलिक है नाजरीन बहुत कुछ कह गया आखिर में सिर्फ ये कहूंगा पाकिस्तान में पर आप हला हजार इलेक्शन भी करवाएं जब तक इलेक्शन फेयर नहीं होंगे कोई फायदा नहीं अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं उसी तरह की इक्विपमेंट पाकिस्तान में यूज़ क्यों नहीं की जाती अमेरिका से ले सकते हैं आप खरीद सकते हैं पिलियन सौ रुपीज़ की जो रोज़ खुद बुदर उधर होती है वो अगर ना हो तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है हम अपने मुल्क को को बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं जितना पैसा जब जजला आया था दुनिया ने पाकिस्तान को दिया था पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड बनाया जा सकता था लेकिन वो पैसा कहाँ गया चंद लोग उस पैसे को खा गए बहुत सख्त अल्फाज मैंने यूज़ किए अपने ज़मीर की आवाज़ को वोट दीजिए और कहिए इन हुक्मरानों को अगर एम के एम के अंदर दहशत गर्द बैठे हैं या किसी भी जमात के अंदर खा वो पीपल पार्टी हो खा वो नून हो खा वो काफ हो खा वो आ, कोई भी इतहाद हो कोई भी जमात इस्लामी जहां भी दहशत गर्द बैठे हैं जो दहशत गर्दी मुल्क में फैला रहे हैं उनको गिरफ़्तार करके फौज के हवाले किया जाए फ़ौजी अदालतों के और उनको सजा दी जाए पाकिस्तान को बचाया जाए हमें नास है इस मुल्क पर एक जख्मी माँ अपने बच्चों से आज यही सवाल कर रही है बेटा मुहरम कब दो रखोगे लूट के तो खा गए मुझे याद है ना वो कहानी एक औरत ने कहा था मुझे अपनी माँ का दिल ला दो तो अपनी माँ का दिल लेके चला गया जब घिरा था माँ के दिल में से वादे बसमिल्ला माँ तो हर वक्त अपने बच्चों से प्यार करती है

पाकिस्तान ज़िंदाओ पाईंदाबाद